गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेटर। यस्टरडे वी राइट अ लेटर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेटर एंड द टॉपिक ऑफ दैट लेटर इज राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट सेंड बाय हिम ऑन योर बर्थडे। यू हैव टू राइट अ लेटर एंड आपको थैंक्स करना है अपने अंकल का हु सेंड यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। आपके अंकल ने जो आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट दिया है उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। नाउ बेटा, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ लेटर, जब आप लेटर राइट करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेल्फ एड्रेस। हमारा खुद का एड्रेस इसमें मेंशन करना होगा। बेटा, अगर एड्रेस मेंशन इन द टॉपिक देन यू हैव टू राइट दिस सेम एड्रेस। देखिए, इन दिस टॉपिक एड्रेस इज नॉट मेंशन, सो यू कैन राइट एनी बडीज एड्रेस। आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस भी राइट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेल्फ एड्रेस। इट मीन्स सेल्फ एड्रेस किसका, जो लेटर सेंड कर रहा है। इट मीन्स मुझे वॉच मिली है मान लो, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी और फिर वो सेंड करूंगी। अब देखिए, सेल्फ एड्रेस, सेल्फ देखिए वॉच किसको मिली, मुकेश को, तो मुकेश का एड्रेस आएगा यहाँ पे। तो आप मैंने लिखे थे 12C वृंदा विहार न्यू दिल्ली। आफ्टर दिस बेटा यू हैव टू स्किप वन लाइन, एक लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। स्किप का मीनिंग है एक लाइन छोड़ देना। आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन द डेट, आपको डेट मेंशन करनी है। आफ्टर मेंशनिंग द डेट अनदर लाइन स्किप, यू हैव टू स्किप अनदर लाइन, एक लाइन आप यहाँ पर आफ्टर डेट स्किप कर देंगे। फिर लिखेंगे माई डियर अंकल। देखिए, माई का एम कैपिटल, डियर का डी कैपिटल, अंकल का यू कैपिटल। दीज फर्स्ट थ्री लेटर्स शुड बी कैपिटल, माई डियर अंकल। अगेन बेटा यू हैव टू स्किप वन लाइन, यहाँ आप फिर एक लाइन स्किप करेंगे। नाउ स्टार्ट योर लेटर एंड योर लेटर शुड बी इन थ्री स्टैंजा। ऑलवेज कीप इन माइंड, आप 12th क्लास तक कर जाओगे, आपका आगे जो फॉर्मेट चलेगा, यू हैव टू राइट लेटर इन थ्री स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि अंकल ने क्या गिफ्ट किया। सेकेंड स्टैंजा उसका कंटेंट देंगे। थर्ड स्टैंजा में हम थैंक्स फील करेंगे। लास्ट जो एंडिंग है, अपने बड़ों को प्यार देना, इस तरह की एंडिंग हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट एज यूजुअल माई बर्थडे पार्टी वॉज अरेंज्ड ऑन 20th। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट कि आपको ये जानकर खुशी होगी, एज यूजुअल हमेशा की तरह माई बर्थडे पार्टी वॉज अरेंज्ड ऑन 20th। 20th अप्रैल को मेरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। आई इन्वाइटेड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट किया। ऑल माई फ्रेंड्स केम एंड एंजॉयड दी सेलिब्रेशन, मेरे सभी फ्रेंड्स आए, उन्होंने सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। बट व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा था ड्यूरिंग दी सेलिब्रेशन, I felt your absence alone। कहते हैं मुझे आपकी एब्सेंस फील हो रही थी, मुझे आपकी याद आ रही थी। देखिए, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस यू डिड नॉट नीड टू स्किप अनदर लाइन, यहाँ लाइन स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसके बाद आप आगे से राइट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन से करेंगे। अब देखिए, सरप्राइजिंगली कि बड़ा सरप्राइज था, शॉर्टली आफ्टर बाई कुछ टाइम बाद पोस्टमैन केम विद अ पार्सल फॉर मी, पोस्टमैन एक पार्सल लेकर आया मेरे लिए। आई ओपन्ड इट, मैंने उसको ओपन किया एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल वॉच, क्या था उसमें, एक ब्यूटीफुल वॉच। ऑल माई फ्रेंड्स प्रेज्ड द गिफ्ट सेंट बाय यू ऑन माय बर्थडे, मेरे सभी फ्रेंड्स ने गिफ्ट की प्रेज की जो आपने सेंड किया था। एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड स्टैंजा। यहाँ पर आप स्टॉप करने के बाद डोंट ट्राई एनीथिंग इन दिस लाइन, मेक अनदर लाइन, अनदर लाइन में राइट करेंगे दिस गिफ्ट शो योर
love and affection for me. Please visit us when you get time. कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप जरूर आइए. प्लीज कन्वे माई रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू द यंग वंस. कि जो एल्डर्स हैं उनको मेरे रिस्पेक्ट देना एंड लव जो छोटे बच्चे यंग वंस मीन छोटे बच्चों को प्यार देना. दीज लाइन्स आर कंपल्सरी इन दीज टाइप ऑफ लेटर्स. नाउ यू हैव टू राइट योर लविंग नेफ्यू एंड मेंशन योर me. This is the whole letter beta and you have to follow the CBSE NCERT format. NCERT format ke according hai beta. Again I am going to tell you the format. First of all write self address. Khud ka address self write karenge. One line fir aap skip kar denge ek line chhod denge. Mention the date. Date ke baad fir ek line chhod denge. Mention my dear uncle. Isko write karna hai hamein letter. Uncle. So you have to write here, my dear uncle. Now again you have to skip one line. You have to make now three stanzas and after this your loving nephew Mukesh. This is the format of letter. Write a letter to your uncle thanking him for the gift sent by him on your birthday. You have to write this letter in your prayer notebook and learn this letter also. Thank you. Have a nice day.